जया एकादशी व्रत 2023 31 जनवरी या 1 फरवरी एकादशी के दिन जरूर करें ये पांच काम। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। पुराणों में माघ महीने को बहुत पुण्यदायी माना गया है। इस माह में किए स्नान दान बेहद उत्तम माने जाते हैं। इसके अलावा इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का भी विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत पड़ते हैं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी का विधि विधान से पूजन करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज हम आपको साल 2023 माघ शुक्ल जया एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा व पारण मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले बेहद ही लाभकारी उपायों के बारे में बताएंगे। जया एकादशी व्रत तिथि शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी बुधवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 जनवरी सुबह 11:53 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 फरवरी दोपहर 2:01 पर। जया एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त होगा 2 फरवरी प्रातःकाल 7:09 से 9:19 तक। जया एकादशी पूजा विधि। एकादशी व्रत के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और फिर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। अब उन्हें तिलक कर पूजा स्थल पर धूप दीप जलाएं। इसके बाद पीले फूल, पीले फल, तुलसी पत्र डालकर पीले मिष्ठान का भोग अर्पित करें। अब भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, एकादशी व्रत कथा का पाठ और आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण कर ब्राह्मणों को भोजन व दान दक्षिणा देकर विदा करें। एकादशी के दिन क्या करें? शास्त्रों के अनुसार एकादशी पर विष्णु जी की आराधना कर पीले वस्त्र अर्पित करना शुभ होता है। पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास माना गया है। ऐसे में भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए एकादशी की शाम पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें कौड़ियां अर्पित करें। एकादशी पर एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। एकादशी के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं। इससे भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध डालकर अभिषेक करने पर मनोकामना पूरी होती है। एकादशी के दिन यदि आपके द्वार पर कोई जरूरतमंद आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।